हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम जाने वाले हैं एक नई गाड़ी के लॉन्च पे, जो कि है एक्स्टर, हुंडई की एक्स्टर है। अब वहीं पहुंचने वाले हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। आप जानते हैं हम लोग लेट होते हैं, इस बार भी लेट हैं, पर पहुंच जाएंगे टाइमिंग से। तो चलते हैं भाई। ये तो हुंडई शोरूम है, मगर यहाँ पे वॉल्वो की गाड़ी क्या कर रही है भाई? XC40 है। नहीं भाई, XC40, अरे ये एक्स्टर है, वो कितने की आती है? गेस करो, पहले 2 सेकंड में गेस करो, अब मैं बताता हूँ। 6 लाख स्टार्टिंग प्राइस है, 5,99,000 भाई साहब। 5,99,000 में आपको XC40 का लुक मिल रहा है। फिर भी 6 एयरबैग मैंडेटरी, वॉल्वो से कुछ कॉपी किया जा रहा है, सेफ्टी फ्रंट। सही है, हुंडई आगे बढ़ रहा है भाई। टक्कर भी तो टाटा पंच को देने वाली है भाई। अब हम आ जाते हैं एक्स्टर के इंटीरियर पे और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एसी विंड्स जो है काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, जैसे कि एमजी में एस्टर में आते हैं। और ये वार्निंग दे रहा है सारी कुछ, और ये इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है वैसे दिखने में। और मुझे पर्सनली इसके ना ये सीट्स जो हैं, आप बैठोगे ना फील करोगे सीट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। क्योंकि मुझे ये गाड़ी लगता है कि जो सबसे सस्ती जो है वो 6 एयरबैग वाली गाड़ी यही है सबसे। ये आपको 6 लाख रुपए में देखने को मिल जाती है 6 एयरबैग्स के साथ। आप सोच सकते हो स्टैंडर्ड जो वेरिएंट्स आते हैं उसके साथ भी आपको देखने को मिलेगा। सारे वेरिएंट्स में ऑफर किए जाते हैं 6 एयरबैग, जो कि काफ़ी अच्छा है सेफ्टी फीचर्स को लेके। और आपको अब चलते हैं पीछे, रेयर सीट्स दिखाते हैं कितनी बढ़िया है, कैसी है कैसे नहीं। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो चलते हैं पीछे की ओर। अब हम आ जाते हैं रेयर सीट्स पे, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सीट्स दे रखी है। मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया, सीट्स काफ़ी अच्छी दे रखी है और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आगे भी प्रवीण बैठा था उसके हिसाब से सीट एडजस्ट है, तब भी मेरे लेग स्पेस में काफ़ी स्पेस दिख रहा है। और ये हेडरूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको ये देखिए, पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट दे रखा, जो कि मिडिल वाले में जनरली किसी में नहीं दिया जाता है, इसमें दे रखा है। बूथ स्पेस आपको 391 लीटर्स का देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूंगा गाइस, ये कार सिर्फ 6 लाख में आती है, 6 लाख से स्टार्ट हो जाती है। आप सोच सकते हो 6 लाख में इतना कुछ दे रखा है इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको ब्लूलिंग भी मिल जाता है हुंडई की तरफ से, जो ऑफर किया जाता है कार ट्रैकर के लिए। और ये आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। मैं सबसे ज़्यादा इससे इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि इसकी सीट्स पहले जो हुंडई की सीट्स आती थी वो उतनी अच्छी नहीं होती थी, पर अब इस बार काफ़ी अच्छी सीट दे रखी है। और सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा एक मतलब एक इससे मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगी मार्केट में। तो भाई फाइनली गाड़ी का रिव्यू करने का कैसा, क्या इसका कंक्लूजन आप लोगों? कंक्लूजन है, आप बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये। निसान मैग्नाइट बहुत अच्छा चल रहा है, टाटा पंच बहुत अच्छा चल रहा है, काइगर चल रहा है, तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो गई है। फीचर 6 लाख में आपने जैसे बताया, 6 लाख का है अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट, फीचर्स एयरबैग जो सेफ्टी भी देखा जा रहा है, और हुंडई का रिलायबिलिटी है तो हाई है, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर आराम से, इसीलिए तो लोग इसको प्रीफर करेंगे ना कि किसी और गाड़ी को। अब देख सकते हो ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, आगे से XC40 वॉल्वो की जैसे लग रही, कलर में भी वही है, पर वॉल्वो का मुकाबला कर पाएगी भाई? ये बात मत बोलो कैमरे पे। शोरूम बंद हो चुका था, लेकिन मौर्या भाई अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करने अंदर। क्या करूँ भाई, टॉयलेट तो लगती ना इंसान हूँ, टॉयलेट तो लगेगी ही ना। लगेगी भाई, लगेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। टॉयलेट हमेशा कर लेना चाहिए, हमेशा टाइम पर नहीं, बीच में लगेगी ना तो फंस जाओगे। और तुमको हर वो इम्पोर्टेंट मोमेंट पे ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं क्या मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, कि मेरे को हर इम्पोर्टेंट टाइम पे ही टॉयलेट जो भी है हमेशा उसी टाइम पे पेट भी खराब हो जाता है, रेगुलरली पेट खराब होता है। गजब बेइज्जती है। चेहरे पे रिएक्शन देखो भाई, शर्त लगी है 1,000 रुपए की, खा रहे मोंग भाई। हालत खराब हो गई फिर भी। भाई कहाँ गया यार? कान पड़ गए। 1,000 के 1 रुपए। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।